गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट द फूड और मैं आपकी अपनी दिल्ली की लड़की हिमानी आ गई हूँ एक और नई जगह पे एक और नए एपिसोड में। आई एम इन द हार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पीतमपुरा एंड द कैफे जो हम आज जाने वाले हैं इज वेरी पॉपुलर इन द कैफे इंडस्ट्री एंड दे आर वेरी वेरी वेल नोन फॉर देयर प्लैटर्स। अभी तक गेस नहीं किया, लेट मी टेल यू आई एम एट द वुड बॉक्स कैफे, सो लेट्स चेक इट आउट। जो वाइब है ना वो बहुत ही यंग और बहुत ही वाइब्रेंट है। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स, लव इट, लव द वाइब। इट्स सुपर सुपर यंग एंड सुपर सुपर वाइब्रेंट एंड ऑल्सो दे हैव दीज कैनवसेज विद प्लैटर्स जो हम यहाँ खाने आए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो एंड हैव समथिंग। सो गाइज वी हैव ऑल द फूड इन फ्रंट ऑफ अस। जिस तरीके से वो प्रेजेंट करा गया ना ऑल ऑफ दीज प्लैटर्स, दैट इज सो यूनिक, जिस पर हम अभी अभी आएंगे। लेकिन शुरू हम कर रहे हैं एक चीज़ी बर्गर के साथ, क्योंकि हमारी चीज़ ठंडी हो जाएगी तो वो पोरिंग वाला इफेक्ट भी तो चाहिए फिर आप लोगों के लिए। सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, जितना चाहूँ उतना डाल सकती हूँ। So guys, if you love a lot of cheese in your burger and love jalapenos, then you need to try this out. Now I'm going to move to my platter. This is our first platter. It's called Jar Bazaar, and you can see why, because सब कुछ जार में है and I love it because ये ना बड़ा personal ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तो शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद अपना खाना, और कोई खबरदार है कि मेरे जार शेयर करे तो मैं पूरा जार खुद पे लूँगी, ठीक है। मुझे ब्रेड दिख रही है इसमें, एक और बाइट। पता है जो चीज़ अच्छी लगती है तो हम एक और बाइट लेते हैं, पहले रिव्यू नहीं देते। सो बेसिकली दिस इज अ डीकंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ पिज्ज़ा। तो अगर आप पिज्ज़ा लवर हो ना तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आ जाएगा, बिकॉज पिज्ज़ा लवर्स को पिज्ज़ा हर फॉर्म में पसंद आता है, डीकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में भी, और ये भी काफ़ी टेस्टी है। एंड ऑल्सो इस प्लेटर का मुझे बहुत ही ज़्यादा जो टेस्टी चीज़ लगी है वो है ये पेरी पेरी फ्राइज, बिकॉज आई एम ऑब्सेस विद पेरी पेरी फ्राइज, और ये पेरी पेरी बहुत टेस्टी है, सो यू शुड ट्राई इट आउट। नेक्स्ट अप फॉर ऑल माई सुशी लवर्स, एंड हमारे सामने है रेनबो सुशी, सो चॉपस्टिक्स आउट, लेट्स ट्राई दिस। क्रंच सुनाई दे रहा है, इट वाज सो गुड। द बेस्ट पार्ट इज़ ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, एंड वो यहाँ पे बहुत रेयर होता है, बहुत ही अच्छी है। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट अवेटेड प्लैटर जो कि है हमारा, इसको ज़रा उठा लूँ, आज का वर्कआउट हो गया गाइस, सारी कैलोरीज बर्न कर दी, हमारा सिग्नेचर प्लैटर एंड दिस लुक्स सो गुड। तो इसका नाम है हर्बीवोरस प्लैटर, बेसिकली हर्बीवोरस वेजिटेरियन लोगों के लिए है ये, और सारी विदेशी आइटम है इसके ऊपर, इसलिए ओके इस पर हमारे पास है हनी चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल्स, गार्लिक ब्रेड, मोमोज, डिमसम बोलते हैं शायद अभी क्योंकि विदेशी तो डिमसम बोलते हैं, बर्गर, फ्राइज, एंड देन वी हैव दी सॉल्टेड वेजीज। थोड़ा हेल्दी मैंने कहा ना, बैलेंस रहना चाहिए, सैलड रहना चाहिए हमेशा हर जगह, सो लेट्स ट्राई दिस। सबसे पहले स्प्रिंग रोल ट्राई करते हैं, सो फुल ऑफ फ्लेवर। मोमोज ट्राई करते हैं, वो पूरा डिसमेंटल कर दिया मैंने मोमोज को। नाउ हमारे टेबल पे ये जो एकदम सुमड़ी में एक नया प्लेटर आ गया है हमारे सामने, हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं। दिस कॉल्ड द मॉन्क मील, बेसिकली यू कैन सी हमारा मॉन्क जी लेटे हुए हैं और उसके अंदर हमारा मील है, एंड इसके अंदर ना इस में बेसिकली स्पेशलिटी है इनकी, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, एंड आप चाहो तो इसमें कोई और ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। इसमें वेज नॉन वेज दोनों है, एंड हम इंडियन खा रहे हैं कुछ, हम दाल मखनी खा रहे हैं, बट अगर आप चाहो तो आप इसमें मंचूरियन का भी ऑप्शन है, आपके पास थाई करी का भी ऑप्शन है, सो जो भी आपको ज़्यादा पसंद है आप वो ट्राई कर सकते हो। थोड़ा दाल मखनी खा रहे हैं तो नींबू तो उन्हें छोड़ा जाए राइट, वरना क्या मज़े, और मस्त एकदम प्याज व्याज और चटनी के साथ मिलाया गाइस, अगर देसी खाना पसंद है तो मज़े आ जाएंगे मुझे लग रहा है आज। बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही,
इट्स टाइम फॉर पैलेट क्लेंज. यार इतना कुछ खा लिया है तो उसके लिए मेरे पास ये है जैगरी लेमनेड. सो मैंने लेमनेड तो काफ़ी पिया बट गुड़ वाले लेमनेड आई एम गोना ट्राई दिस आउट. ओह माय गॉड दिस इज सो गुड. बंटा का 100 times बेटर वर्जन पता है तुम्हें, बिल्कुल वैसा. इट इज़ सो गुड. नाउ टू आर मेन चीफ गेस्ट ऑफ दिस डे जो हमारा न्यूली लॉन्च भी है, ये है हमारा शाकाहारी प्लेटर. चाप है इसके अंदर, पनीर टिक्का है, तंदूरी मोमोज है, दाल है, पुलाव है, एंड देन लच्छे परांठे हैं. सो या लेट्स ट्राई दिस वन. सबसे पहले तो मैं लच्छा परांठा और दाल ट्राई करने वाली हूँ. कुछ दाल तो मुझे बहुत बढ़िया लगी है तो रोटी के साथ भी ट्राई कर लेते हैं. लच्छे परांठे के साथ तो ये हेवनली है. ओह माय गॉड सो गुड. इनका इंडियन बहुत अच्छा है गाइस, इट्स नॉट इवन फनी. आई रियली डू नॉट एक्सपेक्ट अ कैफे टू हैव सच गुड इंडियन फूड. रियली गुड. थोड़ी सी ना स्पीक हो जाए स्पीक. Good. You can definitely share this with your family and it's enough for I think more than 2 people jitna isme khana hai. But agar aap achhi khasi khuraak wale ho to do ke liye bhi bahut hai ye. I'm going to keep hogging and I will see you on the other side. Because we have our very young female entrepreneur and I feel women have an eye for detail और उनको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसा सही से करने का बहुत नैक होता है एक. I'm going to hand over आगे का सारा बातचीत to the owner herself, Manika Jagdish Bawa. Ma'am. Okay, so Woodbox came into picture into our lives 10 years ago, serving wholesome meals and kind of serving experiences with a lot of personalized touch. खाना सबको बेसिक ही चाहिए, कंफर्ट फूड ही चाहिए. जस्ट दैट उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाए तो खाने का मज़ा बढ़ जाता है. तो हम लोगों ने हमेशा फोकस करा कि हम यूनिक प्रेजेंटेशंस पे ध्यान दें एंड उसी तरीके से हम अपने प्लैटर्स को लेकर आ पाए. हम लोगों ने उस प्लैटर को क्यूरेट करा विच इज़ नाउ नोन एज हर्बीवोरस एंड वी हैव सोल्ड मोर देन 50,000 पीसेज. So that brings us to the end of this video. I would say it was a very wholesome experience. I loved every bit of it. Har cheez mein itna zyada detail pe dhyan diya gaya hai, from the interiors to the presentation of the food, which was A1. I loved it. It was so unique. Recycled glasses use kiye gaye hain, jo idea mujhe bahut badhiya laga, jo hum try karne wale hain ghar pe. Dekhte hain kitna DIY mein successful hote hain. But these guys have killed it with their presentation and the food and the platters were amazing. So if you love a lot of food in front of you at once, you should try their platters because I am that kind of person जिसको बहुत सारा खाना बनाना चाहिए उसके आगे. तो मुझे तो बड़े मज़े आए इतना सारा platter खा के आज. Comfort food 10/10 because I loved के जो taste था वो इतना अच्छा था, इतना fresh था. So yeah, I would give this place a must try. You must visit this and until then I will see you in the next episode. For now it's me Himani signing off.